दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स कैसे बनती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या फिर किसी फैक्ट्री में, हर जगह आपको इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स ये तो हर जगह होती हैं, आपकी कार में, वॉशिंग मशीन में या फिर आपके पंखे में। इन मोटर्स के बिना हमारी जिंदगी की कई सुविधाएं रुक जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि ये मोटर्स कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। चलो देखते हैं कैसे बनती हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पार्ट्स। एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कई छोटे बड़े पार्ट्स होते हैं जो मिलकर इसे काम करने लायक बनाते हैं। हर इलेक्ट्रिक मोटर में तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर। स्टेटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्थिर रहता है। रोटर, जो घूमता है, और कम्यूटेटर, जो करंट को सही दिशा में भेजता है। स्टेटर हिलता नहीं है, रोटर घूमता है। स्टेटर में कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में बदलती है। कम्यूटेटर इलेक्ट्रिक करंट को सही रास्ते पर भेजता है। यह करंट रोटर को घुमाने में मदद करता है जिससे मोटर काम करती है। अब बनाने का तरीका देखते हैं। पहले स्टेटर बनाते हैं। स्टेटर बनाने के लिए एक फ्रेम पर कॉपर वायर लपेटते हैं बार बार, जिससे एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन सके। इसके लिए एक फ्रेम पर कॉपर वायर लपेटते हैं बार बार। ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यान से की जाती है ताकि वायर सही तरीके से लपेटा जा सके और कोई गलती ना हो। ये वायर इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मदद करते हैं जिससे मोटर घूमती है। फिर आता है रोटर। रोटर भी कॉपर वायर से लपेटा जाता है, लेकिन इसमें एक और चीज करते हैं। रोटर पर भी कॉपर वायर लपेटते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज करते हैं। रोटर को एक शाफ्ट से जोड़ देते हैं जो घूमता है। ये शाफ्ट मोटर के आउटपुट को ट्रांसफर करता है। रोटर को एक शाफ्ट से जोड़ देते हैं जो घूमता है। ये शाफ्ट मोटर के आउटपुट को ट्रांसफर करता है। फिर इसे चेक करते हैं कि रोटर ठीक से घूमता है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रोटर सही से नहीं घूमेगा तो मोटर ठीक से काम नहीं करेगी। फिर बारी आती है कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर छोटे छोटे कॉपर पैड्स से बनता है जो रोटर से जुड़े होते हैं। ये पैड्स ब्रशेज को करंट देते हैं और मोटर को सही दिशा में घुमाते हैं। कम्यूटेटर छोटे छोटे कॉपर पैड्स से बनता है जो रोटर से जुड़े होते हैं। ये पैड्स ब्रशेज को करंट देते हैं और मोटर को सही दिशा में घुमाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सटीकता से की जाती है ताकि मोटर सही से काम कर सके। ये पैड्स ब्रशेज को करंट देते हैं और मोटर को सही दिशा में घुमाते हैं। अब इन सब पार्ट्स को जोड़ते हैं। स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर को एक फ्रेम में फिट करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यान से की जाती है ताकि सभी पार्ट्स सही से फिट हो सकें और मोटर सही से काम कर सके। स्टेटर, रोटर और कम्यूटेटर को एक फ्रेम में फिट करते हैं। फिर मोटर को चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये अंतिम चेक बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी गलती न रह जाए। अगर सब कुछ सही होता है तो मोटर को पैक करके बाजार भेज देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही ध्यान से की जाती है ताकि मोटर सुरक्षित रहे और ग्राहक तक सही सलामत पहुंच सके। और इस तरह बनती है एक इलेक्ट्रिक मोटर। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल है, लेकिन जब सभी पार्ट्स सही से काम करते हैं तो यह एक अद्भुत मशीन बन जाती है। तो दोस्तों, ये था इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी रोचक वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे।